नमस्कार, मैं हूँ सुकृति रॉय चैटर्जी और बोल स्काई में आप सभी का स्वागत है। अनलॉक के साथ ही देशवासी कोरोना संक्रमण की दूसरी लहर की भयावहता को भूलते दिख रहे हैं। यही नहीं, उन्हें आशंकित तीसरी लहर और खतरनाक माने जा रहे डेल्टा प्लस वेरिएंट का भी खौफ नहीं है। डेल्टा प्लस वेरिएंट इतना संक्रामक है कि पास से गुजरने पर भी आपको बीमार कर सकता है। इससे बचाव का केवल एक ही उपाय है, कोविड प्रोटोकॉल को अपनी आदत बना लीजिए। दरअसल देश भर के डॉक्टर्स का यही मानना है कि अगर लोग कोरोना प्रोटोकॉल्स की अनदेखी करते हैं और इसी तरह का व्यवहार लगातार जारी रहता है तो तीसरी लहर आते वक्त देर नहीं लगेगी। अब तक तो यही माना जा रहा था कि 2 गज से कम दूरी पर 2 से 3 मिनट रुकने पर संक्रमण की आशंका थी। वहीं डेल्टा प्लस वेरिएंट इतना ज्यादा संक्रामक है कि अगर आप बिना मास्क पहने इस वेरिएंट से संक्रमित व्यक्ति के बगल से भी गुजर जाएं तो बीमार हो जाएंगे। इससे बचाव का उपाय यही है कि हम सभी सख्ती से कोविड कल्चर की आदत को डाल लें। वहीं वैक्सीन की दोनों डोज लेकर खुद को सुरक्षित मान रहे लोगों में गंभीर लक्षण भले ही नहीं उभरे, लेकिन वो न केवल संक्रमित हो सकते हैं बल्कि अपने को भी बीमार कर सकते हैं। जो लोग 2 लहर में संक्रमित नहीं हुए, उन्हें ये भी नहीं मानना चाहिए कि तीसरी लहर में भी वो सुरक्षित ही रहेंगे। ऐसे में कोरोना की चेन तोड़ने के लिए जरूरी है हर शख्स कम से कम बाहर निकले, जमघट या चौपाल लगाने से बचे, बिना मास्क बाहर बिल्कुल ना निकले और मास्क को सही ढंग से पूरे वक्त पहने रहे। अगर मास्क बीच में उतारना पड़े तो उसकी जगह नया या साफ किया हुआ दूसरा मास्क पहने और हाथ को धोते रहें। एक्सपर्ट्स की माने तो दूसरी लहर ढलान पर है, संक्रमितों की संख्या भी घट रही है, लेकिन कोरोना वायरस हमारे आसपास अब भी मौजूद है। जीवित रहने के लिए वो नए लोगों की तलाश में है। ऐसे में सावधानी हटते ही बीमार होना तय है। उम्मीद करती हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो को लाइक और शेयर करें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।